एशिया का फाइनल जीतते ही रोहित ने दुनिया को दिखा दिया 56 इंच का सीना। जीत के बाद तय कर दिया क्रिकेट का नया भविष्य। मोहम्मद सिराज ने एशिया कप जितवाया, कुलदीप यादव ने फाइनल में पहुंचाया, फिर भी रोहित ने ट्रॉफी को किसी और के हाथों में क्यों थमाया। न ज्यादा मैच खेला, न ज्यादा बैटिंग की, फिर भी मिल गया सबसे बड़ा इनाम। धोनी का चेला अब क्रिकेट जगत में मचाएगा कोहराम। 21 साल के लड़के के हाथ में रोहित ने दे दी ट्रॉफी, सजदे में झुक गए सारे सिर। जी, पहले एशिया कप जीतकर रोहित शर्मा ने मचाया कोहराम, फिर मैच के बाद ट्रॉफी लेते वक्त कर दिया कुछ ऐसा काम, दुनिया कर रही है आज उनको सलाम। जैसा कभी महेंद्र सिंह धोनी किया करते थे, ठीक वैसा ही काम आज रोहित शर्मा ने कर दिया और बता दिया कि उनके अंदर महेंद्र सिंह धोनी जैसा एक काबिल कप्तान मौजूद है और टीम इंडिया का भविष्य बिल्कुल सही हाथों में है। रोहित शर्मा ने एक झटके में यह भी बता दिया कि उनके बाद इस टीम का भविष्य कौन होने वाला है। हालांकि रोहित ने न ही किसी का नाम लिया, न ही कुछ नाम का ऐलान किया, लेकिन फिर भी अपने एक काम से उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि उनके बाद इस टीम का भविष्य कौन हो सकता है और कौन इस क्रिकेट की दुनिया में उनकी तरह ही कोहराम मचा सकता है। और ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि मात्र 21 साल का युवा तिलक वर्मा है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा रोहित शर्मा ने तिलक वर्मा के साथ क्या कर दिया जो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। तो हम आपको एक एक करके पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में एक रवायत शुरू की थी। वो जब भी कोई बायलेटरल सीरीज या फिर कोई भी ICC ट्रॉफी जीतते थे तो ट्रॉफी अपनी टीम के सबसे छोटे, सबसे युवा क्रिकेटर के हाथों में थमाते थे ताकि उसकी हौसला अफजाई हो और वो टीम इंडिया के लिए भी ऐसी ही चैंपियनशिप दोबारा जीतने की तरफ आगे बढ़े और उसका मनोबल बढ़े। धोनी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए विराट कोहली ने भी ऐसा करना शुरू किया और अब वैसा ही रोहित शर्मा भी कर रहे हैं। साल 2018 में जब टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में एशिया कप जीता था, तभी रोहित शर्मा ने उस वक्त के टीम में सबसे यंग खलील अहमद को ट्रॉफी थमाई थी और आज उन्होंने ये ट्रॉफी सीधा तिलक वर्मा के हाथों में थमा दी। बस यहीं से इशारा मिल गया कि रोहित शर्मा के लिए तिलक वर्मा ही इस टीम का सबसे युवा भविष्य है। हालांकि टीम में वॉशिंगटन सुंदर भी थे जो एक रात पहले ही सीधा भारत से उड़ान भरते हुए कोलंबो पहुंचे थे, लेकिन क्योंकि अब वॉशिंगटन सुंदर क्रिकेट में काफी एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, साथ ही साथ इंडिया के लिए भी कई सारे मैचेस खेल चुके हैं, उस मामले में वो तिलक वर्मा से काफी सीनियर हुए, इसलिए इस टीम में सबसे जूनियर तिलक वर्मा ही थे। और तिलक वर्मा को ट्रॉफी देते हुए रोहित शर्मा ने बहुत बड़ा दिल दिखा दिया। रोहित शर्मा के इस जेस्चर की सोशल मीडिया पर हर तरफ तारीफ हो रही है। सब उन्हें युवाओं को और साथियों को साथ में लेकर आगे बढ़ने वाला कप्तान बता रहे हैं। ये वही तिलक वर्मा है जिन्होंने बीते ही महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में अपने T20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी, जब उन्होंने वेस्टइंडीज में 5 मैचों की T20 सीरीज में डेब्यू किया था और अपने बल्ले से कोहराम मचा दिया था। उसी वजह से उनका सिलेक्शन एशिया कप टीम में भी हो गया था और जैसे ही उनको बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलने का मौका मिला, वो टीम इंडिया की तरफ से एक ही महीने के अंदर T20 और वनडे दो डेब्यू कर गए। हालांकि उनका वनडे डेब्यू उतना खास नहीं रहा, लेकिन अपने छोटे से अभी तक के करियर में उन्होंने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना रखा है और हर कोई उन्हें टीम इंडिया का भविष्य का सितारा बता रहा है। और शायद इसी वजह से रोहित शर्मा ने तिलक वर्मा के हाथों में ट्रॉफी थमाई है। खैर, रोहित शर्मा का ये जेस्चर आपको कैसा लगा? जो भी आपकी राय हो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।